एलजी प्रशासन गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आते बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी मरनी होगी। हाय हाय, मैं क्या करूँ? हाय हाय, एलजी प्रशासन, 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 मैं क्या करूँ? हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, निकले बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकले बंद, जिंदाबाद, सभी दिल्ली वेजर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, सभी दिल्ली वेजर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए 17 दिन हो गया इस हड़ताल को, अभी तक एलजी प्रशासन जो सो हुआ, हम एलजी प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि हमारी रेगुलर पार्सी दे दीजिए, बकाया वेतन दे दीजिए। कुछ लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको आपने कुछ नहीं दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, हद से बेहतर हमारे हालत हो चुके हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज भी एडमिशन के बिना बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज आप सोए हुए हैं। लेकिन डेली वेजर जो है आज जाग चुका है, डेली वेजर जाग चुका है। हम ये बताना चाहते हैं आने वाले दिनों में जम्मू में जो हालत होगी उसका एलजी प्रशासन जो है जिम्मेवार होगा। मैं बीजेपी वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी पार्सी लाइए। एलजी साहब आपके हैं, सेंटर में आप बैठे हुए हैं। पहले तो कहते हैं कि अगर आपका हल मसला नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं। आज कहाँ छुपे हो, एसी के कमरे में बैठे हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहते हैं इलेक्शन में हम 50 पार जाएंगे, हम कहते हैं 60 पार जाए। जिस दिन डेली वेजर का काम करोगे तो 60 पार चले जाओगे, अगर डेली वेजर का काम नहीं हुआ तो 5 सीटें लेके लखनपुर पार चले जाना। कितने दिन हो गए आज आपको? 17 दिन हो गए हैं, अभी तक गवर्नमेंट सोई हुई है। हम ये बताना चाहते हैं आगे कितने दिन स्ट्राइक पे ये चलती रहेगी और स्ट्राइक बढ़ती रहेगी। हम जम्मू की जनता से माफी चाहेंगे, अगर कोई हालात खराब होंगे एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा। जय हिंद, जय भारत।